मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है। आजकल इंग्लिश का महत्व दिन पर दिन अधिक क्यों होता जा रहा है यार। इंग्लिश सीखने के लिए लोग क्यों इतना एक्साइटेड होते जा रहे हैं। आपके आने वाले पीढ़ी अर्थात आप अपने वाले बच्चे को आप हिंदी मीडियम में ना भेज करके आप इंग्लिश मीडियम में क्यों भेज रहे हैं, आखिर इसका रीजन क्यों है। मैं आपसे एक बार और क्वेश्चन पूछता हूँ, आखिर इसका रीजन क्यों है, आप थोड़ा विचार करिएगा। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश का महत्व दिन पर दिन क्यों बढ़ता जा रहा है, बारे में शायद मैं आपसे कुछ आज बात करूँगा। तो फर्स्ट नंबर पे आता है स्कूल। आजकल जितने भी स्कूल खुल रहे हैं आजकल हिंदी मीडियम के न बल्कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुल रहे हैं। जब इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुल रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में होता क्या है कि सारी की सारी स्कूल में जो बुक लगी होती हैं सब बुक जो इंग्लिश में ही अवेलेबल होता है, तो हिंदी को छोड़ करके सारी की सारी बुकें हिंदी में ना अवेलेबल होकर के बल्कि इंग्लिश में अवेलेबल होती है, जिसके कारण से बच्चों को इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल दिन पर दिन जो है इंग्लिश मीडियम की स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है बल्कि हिंदी मीडियम की संख्या कम होती जा रही है, जिसके कारण से इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। बच्चा इंग्लिश नहीं जानता है तो क्या होगा, इंग्लिश ना जानेगा तो स्कूल में मार्क कम आएंगे, स्कूल में पिटाई होगी, पनिशमेंट मिलेगा, इस प्रकार के डर से बच्चे को क्या करोगे, इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा। इस कारण से फर्स्ट कंडीशन इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। सेकेंड नंबर पे आता था इंटरनेट। सेकेंड नंबर पे क्या है, इंटरनेट। आजकल कोई भी चीज़ें जो अवेलेबल हो रही सब के सब चीज़ें इंटरनेट के जरिए कनेक्ट होते जा रहे हैं। आजकल लैपटॉप खरीद दिए, मोबाइल खरीद दिए, कोई भी आप इलेक्ट्रिक गैजेट खरीद दिए, कुछ भी आप चीज़ें खरीदें तो चाहे कुछ भी जनरली हिंदी में ना होकर अवेलेबल बल्कि इंग्लिश में बुक, चाहे किसी भी चीज़ के इलेक्ट्रिक गैजेट्स का नेम हो, इंग्लिश में ही अवेलेबल हो रही है। जब सब चीज़ें इंग्लिश में ही अवेलेबल हो रही है तो मेरे को हिंदी नहीं देखने को मिल रहा है। जब तक हम इंग्लिश जानेंगे नहीं तब तक हम इंटरनेट के से जुड़े हुए कुछ भी चीज़ों को अच्छे से नहीं जान सकते। जब नहीं जान सकते तो कैसे उसको समझ सकते हैं, इस कारण से इंग्लिश सीखना ज़रूरी होता जा रहा है। थर्ड नंबर पर क्या आता है कि सब लोग पैसे कमाना अधिक चाहते हैं, अर्न मोर मनी, अर्थात सब लोग क्या करते हैं पैसे कमाना अधिक चाहते हैं। जब पैसे कमाना अधिक चाहते हैं तो लोग क्या करते हैं, सर्विस करना चाहते हैं। सर्विस करेंगे या तो गवर्नमेंट सर्विस करेंगे या तो प्राइवेट सर्विस। कुछ लोग प्राइवेट सर्विस करते हुए अर्थात विदेश भी जाते हैं, विदेश में जाकर के क्या होता है कि वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा पैसा कमाने वास्ते लोग विदेशों में जाते हैं। कम पढ़ा लिखा भी आदमी 10th तक 12th तक पढ़ करके पासपोर्ट बनाकर कुछ काम के जरिए वहाँ पर विदेशों में चला जा रहा है, वहाँ पर ज़्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन वह एक चीज़ से ठोकर खाता है, वो कहता है कि यदि मैं इंग्लिश जानता ना तो आज मैं इस लेवल पर होता, इतने पैसे कमा रहा होता। इस कारण से वो अपने आने वाले बच्चे को, अपने बच्चे को, अपने चाचा के लड़के को, किसी को भी इंग्लिश सीखने के लिए एक्साइटेड करता है। आपके घर में जो बच्चे होंगे, भले से यदि आपका कोई चाचा रहता हो, आपके पापा रहते हो, श्योर है, पक्का है कि आपके आने वाले बच्चे या आप किसी के बच्चे होंगे तो भी बोलते होंगे कि बाबू इंग्लिश जरूर सीखना, मेरे भाई, मेरे बाबू को, मेरे छोरे को, मेरे लड़के को इंग्लिश जरूर सिखाना, इस प्रकार की बात जरूर बोलते होंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आपके घर छोटे बच्चे हैं तो आप किस मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में कि इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश में ही अवेलेबल मिलेगी, जिसके कारण से आप मजबूर हैं इंग्लिश मीडियम में नॉलेज देने के लिए, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में आपको इंट्री कराने के लिए। फिर से बात आती है इम्प्लॉयमेंट, अर्थात सब लोग गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हैं तो प्राइवेट सर्विस, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट सर्विस करना चाहते हैं। जहाँ पर भी आप जाते तो क्या होता है कि इंटरव्यू मैचिंग जो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में क्या होते हैं कि जल्दी इंटरव्यू इंग्लिश में ही फेस करने होते हैं, क्योंकि यदि आप अच्छा से अच्छा सर्विस करना चाहते हैं तो आपको हार्ड से हार्ड इंटरव्यू फेस करना होगा। जब हार्ड से हार्ड इंटरव्यू फेस करना होगा तो उसके लिए अच्छा से अच्छा इंग्लिश जाना जरूरी होता है। पेपर भी जो अवेलेबल हो रहा है, जो सामने वाला इंटरव्यूअर बैठ रहा वो भी इंग्लिश में ही पूछ रहा है, इस कारण से मेरे को इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। यदि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप अच्छा से अच्छा सर्विस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कम्युनिकेशन स्किल, अर्थात बातचीत करने का तरीका। बातचीत करने का तरीका आपका क्या है, किस प्रकार से आप बातचीत करते हैं। आप किसी दो चार लोगों के बीच में बैठते हैं, 10 लोगों के बीच में बैठ जाते हैं, कहीं पर भी जाते ही आपका बातचीत करने का तरीका क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, कैसे बातचीत करते हैं। खासतौर से मैं जानता हूँ आप इंडिया में रहने वाले हैं, आपकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन यदि कंटिन्यूस आप हिंदी बोलते जा रहे हैं, हिंदी बोलते जा रहे हैं, यदि उसके साथ थोड़ा सा इंग्लिश को इन्वॉल्व कर देते हैं तो शायद आपकी भाषा में कुछ अलग ही बदलाव दिखता है।
क्योंकि इंग्लिश के साथ यदि मैं हिंदी के साथ इंग्लिश को और इंग्लिश के साथ थोड़ा सा हिंदी में मिला करके बोलता हूँ, हमारी बात जो होती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो बिल्कुल बदली हुई प्रतीत होती है, और अगले आने वाले जो भी फ्रंट में बंदा मिलता है, फ्रंट में व्यक्ति मिलता है, उसको मैं अपनी बातों से प्रभावित कर देता हूँ। क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यदि फर्स्ट इम्प्रेशन में मैंने किसी को प्रभावित कर दिया तो लास्ट इम्प्रेशन भी हमारा अच्छा ही होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल अर्थात बातचीत करने का तरीका, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी किसी भी कंपनी में कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, जहां पर भी आप जा रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। बातचीत करने का तरीका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप बातचीत करने का तरीका नहीं जानते हैं तो आप कहीं पर भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और आजकल सफलता बहुत ज़रूरी है, सफल नहीं तो आप सफल इंसान आप अच्छा जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि यह हमारा इंग्लिश जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल अर्थात अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंग्लिश जो है हर जगह पर बोली जाने वाली भाषा है। यदि आप इंग्लिश जानते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में आप सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे इंडिया में रहें, चाहे पाकिस्तान में रहें, चाहे हमारा दुबई में रहे, चाहे सऊदी में रहे, कहीं पर भी यदि आप जाते हैं तो इंग्लिश सर्वाइव कर सकते हैं। इंग्लिश यदि आप जानते हैं तो कहीं पर भी अच्छे से मस्त से दो पैसे कमा करके आप अपनी लाइफ को व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो शायद भाषा के वजह से, लैंग्वेज के वजह से आप किसी के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, जिसके कारण से आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर जा पाएंगे और उस जगह को छोड़ कर आपको जाना होगा। इस कारण से इंग्लिश का महत्व दिन पर दिन बढ़ते जा, तो मैंने बहुत सारे रीजन बताया जिसके कारण से दिन पर दिन इंग्लिश का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके आने वाले बच्चे का, आपको क्या इंग्लिश सीखना जरूरी है कि नहीं है? यदि जरूरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिए कि क्यों जरूरी है, क्या आपको भी सीखना जरूरी है कि नहीं है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने हर दोस्तों के पास, सबके पास शेयर करिए, जिसको भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इंग्लिश इंपॉर्टेंस क्या है, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या है, सबको मैंने बताया बहुत सारे रीजनों से, उनको भी बताइए ताकि वे सब भी इंग्लिश का महत्व समझ सकें और इंग्लिश सीखने के लिए एक्साइटेड हो, ताकि वे सब भी अपनी रोजी रोटी, अपना जीवन यापन अच्छा से अच्छा कर सकें।